अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं आज अपने पोते को लेकर आई थी यहाँ पे घूमने के लिए बच्चों के गेम में, और मेरा बेटा बहुत खुश है। आप लोग देख सकते हो, जब किसी के बच्चों को खेलना करना हो तो यहाँ पे ला सकते हो। ज़्यादा नहीं है, इतना अच्छा है, एक डेढ़ घंटे का 150 रुपये में बच्चे दिल खोल के घूम लेते हैं, अच्छी तरह से फुल इंजॉय कर लेते हैं। मिट्टी से इस तरह से खेलते हैं जैसे कि जू चौपाटी पे या चौपाटी पे बैठे हों। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था मेरा बच्चे को देखकर। आप लोग जब कभी किसी अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को लाए तो ऐसी जगह खेले, ऐसी जगह बच्चे फुल इंजॉय करते हैं, और हमें भी बच्चों को देख के बहुत अच्छा लगता है। मैं भी अभी और भी ब्लॉग डालूँगी बच्चों के, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे गेम निकले हैं बच्चों के, ऐसी ऐसी जगह निकली है जहाँ कम पैसों में बच्चों को हम फुल इंजॉय करा सकते हैं। बच्चे वहाँ पर अच्छे से अच्छा खेल सकते हैं, बच्चों के साथ में फ्रेंडशिप कर सकते हैं, बच्चों को रहना सहना बात करने का तरीका आ सकता है, नॉलेज मिल सकता है किस तरीके से बच्चे हमारे दूसरों बच्चों के साथ में खेलना फिरना सीख सकते हैं। गंदे बच्चे बुरे बच्चों के साथ में यहाँ वहाँ हम नहीं लेके जा सकते, हमारे बच्चों की भी तालीम ख़राब होती है। तो हम लोग ऐसी जगह लेकर आए जहाँ बच्चे खुद भी खेलते हैं और दूसरे बच्चों के साथ में भी बहुत प्यार से इंजॉय करते हैं। यहाँ पे इस वक्त ज़्यादा लोग थे नहीं, तो मेरा बेटा अकेला ही अकेला खेल रहा था, ज़्यादा पब्लिक थी नहीं, थोड़े बहुत लोग थे। तो अगर संडे का दिन होता तो शायद बहुत सारे जन होते। मेरा बेटा ज़्यादातर यहीं पर आके खेलता है, कोई उसे प्रॉब्लम नहीं होती है, ना गिरता ना पड़ता ना कोई, अलग अलग बच्चों के साथ में उसको प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत अच्छे से फुल इंजॉय करता है। कभी कभी अकेले में आता है, तो अभी इसको इतना ख़ास मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि उसके साथ में कोई दोस्त नहीं है खेलने के, फिर भी वो खेल रहा है थोड़ा बहुत। अगर कोई दोस्त होते तो वो फुल इंजॉय करता, बहुत इंजॉय करता। उसको सबसे ज़्यादा इंजॉय में मज़ा आ रहा था, एक तो वो जहाँ पर मिट्टी थी और एक यहाँ पर जहाँ पर बॉल वगैरह है। तो ये बॉल आपको देख सकते हो, ये किस तरह से ऊपर फेंक फेंक के बॉल डाल रहा है पर उससे नहीं डल पा रही है। तो इसी तरह हम अपने बच्चों को ला सकते हैं, घुमा सकते हैं, कहीं भी कभी भी लेके जाए तो अपने बच्चों को नहीं भी तो 1 से 2 घंटा ऐसी जगह ज़रूर ले जाए। यहाँ से बच्चों को बहुत ही एनर्जी मिलती है, फुल नॉलेज मिलता है। जो बच्चे घर में बैठ के सुस्त हो जाते हैं वो ऐसी जगह पर आके एकदम फुल एनर्जी वाले हो जाते हैं, फुल इंजॉय करते हैं, उन्हें ऐसा लगता ही नहीं है कि यानी कोई उनके साथ खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है। तो आप देख सकते हो मेरे बेटे को कितना इंजॉय कर रहा है, फुल इंजॉय, और डरने की बात भी नहीं, कोई चीज़ ऐसी वहाँ पर है नहीं जहाँ पे उसको मार लग जाएंगी लग जाएगा, इतने अच्छे से खेल रहा है कूद रहा है, आप लोग देख सकते हो। तो ये हर बच्चों की मम्मी को चाहिए कि अपने बच्चों को 15 दिन में 8 दिन में संडे संडे ऐसी जगह लेके जाए जहाँ बच्चे बहुत अच्छी तरीके से खेलते हैं, फुल इंजॉय करते हो। बच्चों को एनर्जी के लिए ऐसी जगह लाना चाहिए हमें, और बच्चों को छोड़ देना चाहिए। बहुत से जन तो बच्चों को ऐसी जगह छोड़ के माँ बाप अपनी जगह चाय पानी पीते रहते हैं और बच्चे ऐसी जगह फुल इंजॉय करते हैं ताकि उन्हें कोई ना मार लगने की डर है, ना गिरने की, ना पड़ने की, ना कोई चीज़ की नहीं। तो इसे देख के मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। एक ब्लॉग और डालूंगी, अभी वो जाने वाला है, रानीबाग जाएगा। अभी देखो उसको एक दोस्त मिल गया, उसके साथ में भी खेल रहा है, थोड़ा बड़ा है तो कंफर्टेबल नहीं है वो उसके साथ में, वो अभी वो रानीबाग या किधर अभी मॉल में जाएगा, वहाँ का मैं पूरा ब्लॉग डालूंगी किस तरीके से मेरा बेटा फुल इंजॉय करता है। शेर चीते देख कर उसे बहुत अच्छा लगता है, और अभी उसे इतना ख़ास नहीं लग रहा कि ये बच्चा, उसे ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा है तो उसके साथ इतना इंजॉयफुल नहीं हो रहा है वो। तो एनी टाइम जब कभी ले जाऊंगी तो जब बच्चे बहुत सारे हो गए उस वक्त की भी मैं वीडियो डालूंगी कि बच्चों में कितने इंजॉयफुल होते हैं, और जो उनसे बड़े होते हैं उनके साथ में इतना कंफर्टेबल नहीं होते। आप देख सकते हो अभी मैं दूसरा ब्लॉग जो डालूंगी तो मैं रानीबाग का डालूंगी इंशाल्लाह। तो अब तक की वीडियो के लिए मैं यहीं पर अल्लाह हाफिज़ बोलूँगी। दुआ में याद रखना, मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग अपने अपने बच्चों को कहाँ कहाँ लेके जाते हो। तो आप लोग भी इसी तरह से ब्लॉग डाला करें, बच्चों का ब्लॉग डाला करें, बच्चों के ब्लॉग बच्चे लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं, बहुत खुशी खुशी देखते हैं।
इसी तरह देखिए कितना एंजॉय कर रहा है। अभी उसका बर्थडे भी आने वाला है, हम लोग बर्थडे का भी पूरा ब्लॉग डालेंगे, तो आपको ज़रूर देखना। अगले 15 से 20 दिन बाकी है उसके बर्थडे को, तो हम लोग उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं कि उसकी बर्थडे में हम लोग किस तरह से करें। ज़्यादा तो इतना लोगों को नहीं बुलाएंगे, पर घर ही के अंदर हम लोग फुल इंजॉय करेंगे, गेम रखेंगे, गेम खेलेंगे। बच्चों का स्पाइडरमैन का बहुत 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 शौक है उसको, तो मैं स्पाइडरमैन का उसकी सारी चीज़ें हम स्पाइडरमैन खिलाएंगे, और आप लोग देखना, फुल इंजॉय करना। मेरे बेटे का बर्थडे आप लोगों को कैसा लगा? तो अब तक के लिए वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। बाय बाय, टाटा।